भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे जो किताब है मैंने लिखा है भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक समसामयिक विवेचन। ये 2000 में कोरोना के टाइम में 2021 में आई थी ये किताब। तो उसमें हमने पहली लाइन लिखा है जो आमुख लिखते हैं, जो थोड़े लेखक जो अपने उद्वेग लिखता है। तो हमने लिखा था कि आने वाली दुनिया को लोग इस आधार पे नहीं आंकेंगे, जैसे आने वाला समाज जो है, मेरा कहने का जो भाव है कि इस आधार पे नहीं आंका जाएगा कि आपके पास कार कितनी है, प्लॉट कितने हैं, मकान कितना है, आपकी पूंजी कितनी है। आने वाला समय में लोग इस आधार पर आपकी योग्यता का आकलन नहीं करेंगे, बल्कि आपकी योग्यता का आकलन इस आधार पर करेंगे कि आपके पास ज्ञान की पूंजी कितनी है। और ज्ञान की पूंजी का मतलब होता है कि मस्तिष्क का साम्राज्य। आप समझ गए ना बात को? तो अब अभी तक लोग क्या किए, जैसे अकबर आया तो अकबर ने राजपूताना जीत लिया, राजस्थान का, गुजरात जीत लिया, और एक विशाल साम्राज्य जो भारत का था अपना हरा करके कायम कर लिया। तो हम उसको विशाल साम्राज्य के लिए जानते हैं। तो भविष्य में लेकिन ये साम्राज्य को स्वीकृति नहीं है। जैसे बहुत सारे शराब के माफिया होंगे, 50 बीघा जमीन होगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये उस आशय को समझिए। कोई बिग बाजार वाला, आप कितने को जानते हैं, किसी ने बिग बाजार खोल रखा है, किसी ने सिनेमा हॉल खोल रखा है, कोई पल्टन बाजार में 100 दुकानों का किराया आता होगा उसके पास, कोई ट्रांसपोर्ट का मालिक होगा जिसको 2-4 हजार गाड़ियां चलवाया होगा, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति होगी। तो वो ये कह रहा है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब मस्तिष्क किसके पास रहेगा? जो हृदय बदल देता है, जो घुटना बदल देता है, जो जिंदगी के हर कलपुर्जों को ठीक कर देता है, जो सुनीता विलियम्स है, क्या है उनके पास? अभी सुना आपने कि वाशिंगटन में उनका 1 बीघे का घर है? नहीं सुने होंगे आप। हाँ, कलाम साहब ने मस्तिष्क का ही तो साम्राज्य था उनके पास। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर दुनिया में कोई जानेगा तो किस लिए जानेगा? उनके पास 100 पेट्रोल पंप थे। मस्तिष्क का ही साम्राज्य है वो। मुंशी प्रेमचंद क्या थे? वो भविष्य के साम्राज्य है। रामधारी दिनकर क्या है? भविष्य के साम्राज्य है। ये न्यूटन क्या है? भविष्य के ही साम्राज्य है। तो उनकी उस दुनिया में, उस दौर में जो उनकी परिभाषा थी वो तो साथ साथ पैरेलल है, लेकिन अब आने वाला दुनिया इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, होशियार, चौकन्ना, समझदार होगा कि लोग ज्ञान की पूंजी नहीं होगा तो बाकी पूंजी को लोग बहुत ज्यादा आपको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो भविष्य का साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे।